हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कमलदेव सर। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 11 एक कबड्डी मैच, इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जानेंगे। अगर आप क्लास सेवन्थ में हैं या इस चैप्टर से आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है विच इज योर फेवरेट गेम। फेवरेट मतलब होता है आपका लोकप्रिय, आपका प्रिय, पसंदीदा। तो आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, कौन सा खेल आपका पसंदीदा खेल है। When do you play it? इसे आप कब खेलते हो। How much time do you spend playing it? और इसे खेलने में आप कितने समय इसमें स्पेंड करते हो, खर्च करते हो। How you ever won any medal? क्या आपने कभी एक पदक जीता है। मेडल मतलब होता है पदक या मेडल, तो आपने कभी मेडल जीता है। अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं स्टोरी। इसमें रामपुर और चैनपुर के बीच में कबड्डी मैच हो रहा है, तो इसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए शुरू होता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। रघु वॉकड इन टू रामपुर टेरिटोरी इन द अदर हाफ। अब कबड्डी का जब खेल होता है तो उसमें एक मैदान होता है और बीच में आधा भाग एक टीम के लिए और दूसरा आधा भाग दूसरी टीम के लिए, और टेरिटोरी मतलब क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो कबड्डी 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 बोलते हुए रघु रामपुर के आधे क्षेत्र में प्रवेश करता है। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राई टू कैच हिम। प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों, टीम उसके बाद ट्राई मतलब कोशिश करना, कैच मतलब पकड़ना। तो रामपुर के खिलाड़ी जो हैं, रामपुर के टीम की जो खिलाड़ी हैं, उसे पकड़ने की कोशिश किया रघु को। दे कैम अराउंड हिम, वे उनके चारों ओर आ गए, रघु के चारों ओर आ गए। बट रघु वाज केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान, परंतु रघु सावधान था। ही मूव्ड कैजुअली, कैजुअली मतलब होता है सावधानीपूर्वक या सफलता से। तो वह सतर्कता से वहाँ से चल पड़ा, मतलब वहाँ से निकल पड़ा। मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, मंगला नाम का एक खिलाड़ी है जो उसके पीछे चल पड़ा। रघु जब चारों बगल रघु घिर गया था चारों ओर से, तो वहाँ से बच करके सावधानी से निकल गया, लेकिन मंगल जो है उसके पीछे चल पड़ा। ही वॉन्टेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट, वह उसे उसकी कमर के द्वारा पकड़ना चाहता था। मंगला नामक खिलाड़ी जो है वह सोचा कि हम रघु के कमर को कस के पकड़ लेंगे। बट रघु डक्ड, डक्ट मतलब होता है गोता लगाना या नीचे बैठ करके भाग जाना, परंतु रघु जो है छिप कर भाग गया। मंगला कुड ओनली टच हिम, मंगला केवल उसे छू पाया। ही कुड नॉट होल्ड रघु, वह रघु को रोक नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, केवल उसको छू पाया। द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ऑन टेरिटोरी क्वाइट सेफ, उसके बाद रघु अपने क्षेत्र में जल्दी से और सावधानी से सही सलामत पहुंच गया। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर डिलाइटेड, सपोर्टर्स मतलब होता है समर्थकों, डिलाइट मतलब प्रसन्न होना। तो रघु जब यहाँ से एक खिलाड़ी को छू करके चला गया, तब उनके गांव का जो सपोर्टर्स थे, जो समर्थक थे, चैनपुर टीम का जो समर्थक थे, वे बहुत खुश हुए। मंगला वाज आउट, मंगला आउट हो गया क्योंकि मंगला ने केवल रघु को छू पाया था। ही हैड टू वेट टिल ए प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वाज आउट, अब उसे चैनपुर टीम के एक खिलाड़ी के आउट होने का टर्न ऑफ रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इन टू द चैनपुर टेरिटोरी। अब रामपुर के खिलाड़ियों की बारी थी चैनपुर के क्षेत्र में जाने के लिए। असलम टुक द चार्ज, असलम ने चार्ज को लिया, चार्ज को संभाला या लिया। टच एट लीस्ट टू प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांड, रामपुर के जो समर्थक थे उनका डिमांड था, डिमांड मतलब मांग था, कि कम से कम दो खिलाड़ी को असलम छू कर आए, छू कर वापस आए। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंटेड देम, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, असलम उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। ही टच्ड सेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू द टेरिटोरी, वह सेरू को जल्दी से छुआ और वापस अपने क्षेत्र में आ पहुंचा। सेरू वाज आउट, सेरू आउट हो गया। मंगला वाज बैक इनटू द गेम, अब मंगला जो है अपने खेल में फिर वापस आ गया क्योंकि सेरू आउट हो गया। जब एक टीम के खिलाड़ी कोई आउट हो गया तो दूसरा टीम का जो आउट हुआ है वो अंदर आ जाएगा। अब देखिए आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर आउट, चैनपुर टीम के सभी खिलाड़ी आउट एक्सेप्ट रघु, रघु को छोड़कर उस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो गए। द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड हिम टू स्टे एंड विन द मैच, अब चैनपुर के समर्थकों का यही चाहत थी कि रघु अकेले मैच में टिक करके, मुकाबला में टिक करके और वह मैच जीते, मुकाबला जीते। रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ, रघु चुपचाप रामपुर के
क्षेत्र में चला गया। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक, रामपुर के खिलाड़ी पीछे खिसका। दे वेर टैंपिंग रघु टू कम डीप इनसाइड दियर टेरिटोरी। टैंपिंग मतलब होता है मोहक, डीप मतलब गहरा, मतलब वे रघु को मोहक मतलब पीछे खिसक करके लुभा रहे थे ताकि रघु उनके क्षेत्र में और बीच में चले जाए, उनके क्षेत्र के बहुत अंदर चले जाए। यू शुड नॉट गेट टैंपेड, द चैनपुर सपोर्टर्स वार्न ही। चैनपुर के सपोर्टर्स उन्हें वार्न कर रहे थे, उनको सचेत कर रहे थे कि तुम्हें उनके लुभान में नहीं लुभना है। यू शुड प्ले सेफली, तुम्हें सुरक्षित रूप से खेलना है। दे एडेड रघु नोडेड इन एप्रिसियंस, रघु ने सिर हिलाया और उसकी प्रशंसा की, मतलब रघु ने सिर हिला करके उनके दर्शकों के जवाब सवाल का जवाब दिया। ही न्यू दैट द रामपुर प्लेयर्स वॉन्टेड टू कैप्चर हिम एंड थस विन द मैच, वह जानता था कि रामपुर के खिलाड़ी उसे पकड़ करके मैच को इसी प्रकार जीतना चाहते थे। कैप्चर मतलब कब्जा करना, कब्जा करके मैच को जीतना चाहते थे। आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली, रघु सेड टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब खुद को, रघु खुद को कह रहा है कि मुझे सबको छू करके और सुरक्षित रूप से अपने क्षेत्र में जाना है। ही मूव्ड अहेड, वह आगे बढ़ा। द रामपुर प्लेयर्स इनसर्कल्ड हिम, इनसर्कल्ड मतलब होता है घेर लिया, रामपुर के खिलाड़ी ने उन्हें घेर लिया। दे वेयर श्योर टू कैप्चर रघु, वे सुनिश्चित थे रघु को पकड़ने के लिए, घेरने के लिए। हरीश कैच बोथ हिज लेग्स, हरीश ने उनके दोनों पैरों को पकड़ लिया, कबड्डी के मैच में पैर को जकड़ लिया। रघु फेल डाउन, रघु नीचे गिर गया। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम, और दूसरे खिलाड़ी जो थे वो भी उस पर गिर गए, उसके ऊपर गिर गए। दे वेर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना, वे उन्हें फोर्स कर रहे थे, फोर्सिंग मतलब ज़बरदस्ती, वे उन्हें फोर्सिंग फोर्स कर रहे थे कि वे हरदी चूना बोले। हरदी चूना कहने का मतलब हुआ हार मान लेना, जब रघु अगर हरदी चूना बोल देता तो इसका मतलब हुआ हार मान लिया। बट रघु कैप्ट हिज कूल, परंतु रघु उत्तेजनहीन था, मतलब रघु उस पर ध्यान नहीं दिया आराम से। बट रघु कैप्ट हिज कूल, ही मेड ए ट्राई बट इन वेन, वह कोशिश किया परंतु बेकार गया। मूव रघु मूव, आगे बढ़ो रघु बढ़ो, किसको रघु किसको। द सपोर्टर्स वेर अर्गिंग हिम, अर्गिंग मतलब होता है आग्रह करना, सपोर्टर्स जो थे उन्हें आग्रह कर रहे थे रघु आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रघु गैदरेड हिम स्प्रिट, गैदरेड मतलब होता है इकट्ठा, स्प्रिट मतलब आत्मा, रघु उनकी आत्माओं को अपने बल को इकट्ठा किया। ही मेड द लास्ट अटैम्प्ट एंड फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन, रघु ने लास्ट अटैम्प्ट में अंतिम बार कोशिश किया और अंत में वह जो डिवाइडिंग लाइन था, जो मैदान को बांटता था, उसको टच कर लिया। ही वन द मैच फॉर चैनपुर, वह चैनपुर के लिए मैच जीत गया। द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन दियर शोल्डर्स, और जो सपोर्टर्स थे, समर्थकों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। तो इस प्रकार से ये ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वैसे तो सब वर्ड्स आपको बता दिए, उसको चलिए जान लेते हैं। टेरिटोरी, टेरिटोरी मतलब होता है क्षेत्र। उसके बाद कैजुअली मतलब सावधानीपूर्वक, डकेट मतलब तेज़ी से या झुक कर बचना, कैप्चर मतलब कब्जे में करना, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश करना, एक्सेप्ट मतलब राज़ी होना या स्वीकार करना, गैदर मतलब जमा करना इकट्ठा करना, सपोर्टर मतलब समर्थक। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और इनका जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब जो सही है वहाँ पर ट्रू और जो गलत है उसमें फॉल्स। इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लिख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में देना है। उसका भी जवाब आपको आंसर में दिख रहा है, स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से ज़्यादा शब्दों में नहीं देना है। टोटल 4 क्वेश्चन हैं और इसका जवाब भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नीचे है करेक्ट स्पेलिंग, कुछ वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग गलत दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए TAUCH, ये टच है लेकिन गलत स्पेलिंग है, तो ये आपको सही करना है। इधर है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर देख लीजिए मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, द गिवन वर्ड्स कॉलम बी, कॉलम ए के वर्ड से कॉलम बी के वर्ड को
मैच करना है। तो ये भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पिछले चैप्टर का वीडियोस आप चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो का लिंक आगे आपको जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।